السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين جي بياري بچو آپ سب کا کیا حال ہے؟ دعا کرتی ہوں الله سبحانه وتعالى आप सब को अपनी बात में रखें आप हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते रहें आमीन जी प्यारे बच्चों आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जिससे हबे ये पता चलता है कि हबे दूसरों के लिए भी वही पसंद कर रहा है जो हम ख़ुद अपने लिए पसंद करते हैं और बच्चों हमें इस कहानी से ये भी पता चलता है कि हम जब किसी बात की नियत कर लेते हैं इरादा कर लेते हैं किसी काम के करने का हमें ख़्याल आ जाता है तो हमें अपनी नियत के साथ अपने इरादे के साथ सच्चा रहना चाहिए यानी हमें अपनी नियत और इरादे के मुताबिक ही काम करना चाहिए हर हाल में हमें अपने किए गए वादों को पूरा करना चाहिए जी बच्चों ऐसा करने का फ़ायदा ये होता है कि अल्लाह हमसे खुश होता है अल्लाह हमारे हर काम में बरकत डाल देता है हमें सुकून और इत्मीनान देता है जी बच्चों जब हम दूसरों का फ़ायदा चाहते हैं तो अल्लाह हमारा फ़ायदा चाहता है हमें पहले से भी ज़्यादा नेमतें और चीज़ें देता है चलो बच्चों कहानी का आगाज़ करते हैं ये कहानी सही बुखारी की हदीस नंबर तीन हज़ार चार सौ बहत्तर में है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक आदमी ने एक दूसरे आदमी को अपना मकान पेश दिया जिस आदमी ने मकान ख़रीदा था उसने देखा उस मकान में एक घड़ा यानी पानी पीने का मटका भी मौजूद है जी बच्चों उसने जब मटका खोला तो क्या देखा कि वो पानी से नहीं बल्कि सोने से भरा हुआ है उसने सोचा ये तो मेरा नहीं है और मुझ पर हराम है यानी अगर मैं इसे ले लूँगा तो मुझे गुनाह होगा अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाएगा मैं जहनू में भी जा सकता हूँ जी बच्चों वो इस सोने से भरे मटके को लेकर मकान के मालिक के पास आया और कहा भाई ये सोने से भरा हुआ मटका तो ले लो ये तुम्हारा है तुम भूल गए हो जी प्यारे बच्चों, सोना किसको पसंद नहीं होता लेकिन मालिक मकान ने सोचा जब मैंने मकान बेचा था तो खुद से नीयत यानि इरादा कर लिया था कि मैंने इस घर में मौजूद हर चीज़ मकान के साथ ही बेचती है लिहाजा अब ये मटका और सोना मेरे लिए हलाल नहीं है यानि इनका लेना जायज़ नहीं है प्यारे बच्चों मकान का मालिक भी अल्लाह से बहुत डरने वाला था अल्लाह को नाराज़ करने का तस्वूर भी नहीं कर सकता था उसने भी मटका लेने से इनकार कर दिया अब बच्चों क्या हुआ दोनों एक दूसरे की बात मानने से इनकार कर रहे थे दोनों कह रहे थे मटका हमारा नहीं अब तुम्हारा हो गया है जब वो दूसरे की बात मानने के लिए तैयार ना हुए तो मुकदमा लेकर अदालत पहुंच गए जज ने पूछा क्या तुम दोनों की औलाद है एक ने कहा मेरा लड़का है दूसरे ने कहा मेरी लड़की है जी बच्चों जज बहुत ही अक्लमंद था उसने कहा अपने लड़के का दूसरे की लड़की से निकाह कर दो शादी कर दो और ये सोना उन दोनों को दे दो और सदका खराब भी कर दो ची प्यारे बच्चों फिर उन दोनों ने अपने बच्चों की आपस में शादी कर दी इस तरह सोने से भरा मटका उनके बच्चों को मिल गया और सदका खराब करने का अजर स्वाद भी दोनों को मिल गया जी बच्चों जब हम अपनी नियतों को अपने सोचों को अपने ख्यालात को सच्चा रखते हैं यानी दूसरों से भी हम किए गए वादे पूरे करते हैं जो वादे अपने आप से करते हैं उनको भी पूरा करते हैं तो अल्लाह हमें इसका अजर सवाब दुनिया में भी देता है और आख़रत में भी जी बच्चों क्या सीखा हमने हब हमेशा दूसरों के लिए नफ़ामंद बनना है यानी दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना है दूसरों के लिए भी वही चीज़ पसंद करनी है जो अपने लिए पसंद करते हैं लालच और हिरस नहीं करनी अमानत का ख्याल रखना है जी बच्चों इन आइंदा हम इसका बहुत ख़्याल रखेंगे दुआ है अल्लाह हमें इसकी बेहतरीन तोफ़ी दे आमीन इन आइंदा एक और प्यारी सी कहानी के साथ मिलेंगे जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा अपने अम्मी अबू का बहन भाइयों का दोस्तों का और सारे रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआएं आपके लिए सुबह नबी का, न शुल्ल अंत न स्त फिर का व न तबोलेक्क वालेक वरह ला वर्कू